हेलो सर, नेटवर्क गया था। जी जी जी, तो मैंने बड़ी सिंपल सी बात कही है कि यदि नंबर वन आपने पैरासिटामोल मुझे दे दिया जबकि मेरा टेम्परेचर 9900 के आसपास है, तो आपने हमारी इम्यूनिटी को कोरोना वायरस से लड़ने नहीं दिया उस परिस्थिति में भी जब आपके पास कोरोना का कोई इलाज नहीं, राइट। फिर आपने मुझे बेहतर तरीके के एंटीबायोटिक दिए जिनके रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं कि सम ऑफ देम कॉजेज द सुसाइडल टेंडेंसी, सम ऑफ देम कॉजेज द डिप्रेशन। आप ये बताइए हमारे बदन में कोई घाव था क्या? आपने एंटीबायोटिक हमें क्यों दिए हैं जब तुमको पक्का मालूम है कि वो वायरस के ऊपर, किसी भी वायरस, कोरोना वायरस को भूल जाइए, किसी भी वायरस के ऊपर जो है ना कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता एंटीबायोटिक। इज इट इफेक्टिव ऑन एंड वायरस? वायरस इज नो इफेक्ट। तो भैया ये मुझे भर भर के एंटीबायोटिक क्यों दिए आपने? हमारे जो हमारे बदन में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनको मार दिया आपने, हमको भूख लगना बंद कर दी है, हमको चक्कर आना शुरू हो गया है, आपको क्या राइट है हमको एंटीबायोटिक देने का? अब तीसरी बात करिए आप, आपने जो है जो आप एस्ट्रॉइड देते हैं, तो एस्ट्रॉइड का यू नो यू आर डॉक्टर दैट कि जैसे ही आप एस्ट्रॉइड लेते हैं इट गिव्स द फॉल्स सेंस एंड आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करता है। तो आप हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने आपको एस्ट्रॉइड दिया। क्यों दिया? कि देखो भाई साहब आप तो 90 पे आए थे, हमने देखो 94 कर दिया आपका। तो आपने उसके पैर छू लिए, अरे डॉक्टर साहब आप तो महान है, मैं तो जो है ना सांस लेने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी, देखो आपने तो कमाल ही कर दिया है। वही सेम स्ट्रॉइड जो है इन द नेक्स्ट मूवमेंट इज मेकिंग योर इम्यूनिटी टू स्लीप। अब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपके पास ले दे के एक ही चीज बची थी, वो थी इम्यूनिटी आपकी, और उस इम्यूनिटी को पहले काम नहीं करने दिया, फिर एडवर्सली अफेक्ट किया, कमजोर किया गया और बाद में साला सुला दिया उसको। अब आपके कोरोना वायरस जो कि 1000 गुना स्पीड से बढ़ रहा है, 1000% इज द ग्रोथ रेट ऑफ योर कोरोना वायरस, देन जो है ना इससे लड़ने के लिए कौन बचा है? डॉक्टर साहब यू विल बी सरप्राइज, मैंने इसमें जो है ना PIV के जो है ना चीज से लड़ाई की। आई सेड कि तुमने कैसे कहा कि साहब जो है ना नींबू का रस जो है ना आपके जो है ना कुछ कुछ एंकर ने यहां तक भी कह दिया खतरनाक। मैंने कहा कि आपने जिस चीज को गलत कहा है वो सभी क्लिनिकल ट्रायल थे, चाहे वो जो है ना कर्नाटका के बाबा का हो, चाहे वो गोरा और दूसरा संत था, या जो है ना रेड्डी ब्रदर्स हो जिन्होंने 50 स्टूडेंट को पॉजिटिव RT-PCR के बाद 5 दिन में नेगेटिव किया, ये दे आर ऑल क्लिनिक। आपको फर्जी लिखने का क्या अधिकार है अनलेस यू गो एंड वेरीफाई इट? हमारे क्राइम फ्री भारत पे हमने उनका ऑडियो पब्लिश किया है, आप सुनिए उसको, उनका कोई जवाब नहीं है, बकवास कर रहे हैं वो। फाइनली दे ही सेड कि साहब हेल्थ डिपार्टमेंट के कहने पे मैंने किया, तो मैंने कहा कि आप अपनी फाइंडिंग में लिखते कि ये मेरी फाइंडिंग नहीं है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है। इसका मतलब ये पूरी कंस्पायरेसी है। ये बताइए व्हाट इज द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ दिस कंस्पायरेसी? 1200 रुपए की एक आपकी डोज है, 137 करोड़ लोगों को लगाएंगे तो 1700,000,000,000 चाहिए। अभी वो कह रहे हैं कि हर 6 महीने में लगाने की जरूरत है, इसका मतलब है 1700,000,000,000 आपको हर 6 महीने में चाहिए। कैन इंडिया अफोर्ड इट? एंड वी डोंट नो के जो है ना इस जो जिसमें इट इज mRNA बेसिकली मॉडिफाइड RNA वाला फंडा इसमें लगाया गया है, तो इट विल व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैविंग ऑन यू, यू डोंट नो। डॉक्टर साहब आप तो जो है मेडिकल फील्ड के हैं, आप मुझे बताइए कैंसर किस वायरस से या बैक्टीरिया से होता है? कोई वायरस नहीं होता, कोई नहीं हो सकता है सर्टन कैंसर या ट्रिगर्ड बाय वायरल इंफेक्शन। अरे फॉरगेट करिए ये सब बकवास कर रहे हैं, दे मे बी द कॉजिटिव फैक्टर्स टू एजिटेट योर सेल, दे कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑल वायरसेस आर द इम्प्रॉपर बिहेवियर, और ऑल जो है ना कैंसर आर इम्प्रॉपर बिहेवियर ऑफ योर सेल। सर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, तो ये टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ आपसे। नहीं लेकिन आप हमारा ज्ञान तो बढ़ा सकते हैं ना। नहीं नहीं मैम, बिकॉज आपकी रिसेप्टिविटी नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपने बिना कहे कैसे मान लिया कि मेरी रिसेप्टिविटी नहीं है? आई कुड गेस फ्रॉम द वे यू आर स्पीकिंग। चलिए आप हम आप दूसरे तरीके से आप बताइए, अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ जब आपकी बात सुनो, क्योंकि जो मैंने अभी बात कहने की कोशिश की यू आर नॉट रिसेप्टिव टू दिस। आप बताइए कि अभी दोबारा कह लेते हैं? नहीं बताऊंगा सर मैं अभी। कोई बात नहीं, आप अपना ज्ञान अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इंडिया इज गोइंग टू फेस क्रिमिनोक्रेसी इफ वी विल नॉट बेक अप। नाउ यू हैव टू टेक ए कॉल वेदर यू वांट टू पार्टनर इन ब्लॉकिंग इट इन मेकिंग ए डिफरेंस ऑन द ग्राउंड। एंड ये नॉलेज और अवेयरनेस से नहीं आएगा, इट हैज टू कम बाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज
and making available to the society. Go to the stakeholders, those who are already contributing, उनको identify करिए, उनको partners करिए, उनको जो है skill development करिए, उनको directed change लाइए और ground तो उसे उतार के बताइए. किसी को भाषण सुनने का समय नहीं है आपका. If you are capable, don't distribute knowledge. Distribute product and services. Create your own. जिनको skill development देना है उनको skill development दीजिए, उनसे काम कराइए and convert into the product and services available on the ground, usable to the public next moment. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं आएगा. एग्री सर, एग्री. आई एम चेंजिंग मैथिली शरण गुप्त विथ दिस सीएबी इनिशिएटिव गोइंग टू चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री एंड इट इज नॉट मैथिली शरण गुप्त इज डूइंग इट इज सम कॉस्मिक डिजाइन जो है मैथिली शरण गुप्त से करा रही है एंड आई एम वेरी श्योर लाइक माइंडेड पीपल विल ज्वाइन इट डज नॉट मैटर के वेदर डॉक्टर संजय साय इज दैट पर्सन और नॉट बिकॉज जिसको चीज को कॉस्मोस चाहेगी उसको उसके सामने कौन लगता है बताइए ना. बिल्कुल सही है. यदि कॉस्मोस किसी चीज को मैनिफेस्टेशन करना चाह रही है तो उसे किसी न किसी ह्यूमन को एजेंट बनाना पड़ता है. इसी एंगल से हम लोग जुड़े हैं सर. करेक्ट. एक्चुअली संतोष भाई ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. संतोष बुरहानपुर. संतोष भाई श्रॉफ. श्रॉफ बुरहानपुर ना, हमारा कॉलेज का दोस्त है वो. तो उन्होंने मुझे ऐड किया फेसबुक ग्रुप में. ओके ओके. देखो डॉक्टर संजय, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमें डिफरेंटली करना पड़ेगा. वी डू नॉट हैव द टाइम. नहीं तो आप क्रिमिनोलोक्रेसी में पहुंच जाएंगे. सलाह आप कर ही नहीं पाओगे. आपको इतनी तरह से घेरेंगे, इतनी तरह से कूटेंगे, आपको जो ना अच्छी बात सोचने की शक्ति नहीं रह जाएगी आपके अंदर. ये बताइए आप जो है ना, यदि 42% क्रिमिनल्स हैं, 8% की जर्नी आपको लगता है कि नहीं लगता है 2024 में हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं. तो फिर हम वेट क्यों कर रहे हैं भाई साहब? हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको एक किनारे रखें. जहाँ पे हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं, वी लाइक माइंडेड पीपल शुड एक्ट नाउ एंड शुड ट्राई टू अवेयरनेस तो नहीं, उसे एक्शन में लाना है. अवेयरनेस क्रिएट करके तो मे आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए कि इन व्हाट वे यू कैन कंट्रीब्यूट एंड वी विल डिस्कस थ्रू द वीडियो कॉल. नहीं सर, नहीं वो तो आप अपने सीमाओं के बीच में रहिए. मैथिली शरण गुप्त किसी सीमा से बधे नहीं. मैथिली शरण गुप्त अपनी दम पर जो है ना 2 साल में इस देश का फेस एंड फेट बदलेंगे बिकॉज द कॉस्मिक पावर वांटेड टू हैपन. इट डज नॉट मैटर कि डॉक्टर संजय साय इज द पार्ट ऑफ इट और ही इज नॉट पार्ट ऑफ इट. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.